कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश सरकार में एकत्रित हुई आर्थिक सहयोग राशि 81 करोड़ रुपए का हिसाब प्रदेश की जनता को दें। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब में कांग्रेस सरकार ने इस राशि का हिसाब किताब जनता के सामने प्रस्तुत किया है, उसी तरह हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस हिसाब को क्यों जनता के सामने नहीं रख रहे हैं। ये बात बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कही। निगम भंडारी ने कहा कि हिमाचल में कोरोना महामारी का कहर बढ़ रहा है, इससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मात्र 750 वेंटिलेटर हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के चलते प्रदेश सरकार ने वेंटिलेटर की मांग की है। वहीं प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद करीब 250 वेंटिलेटर बंद कर स्टोर में रख दिए हैं, जबकि प्रदेश में भी इन वेंटिलेटर की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के नियमों की धज्जियां सरेआम भाजपा नेताओं द्वारा उड़ाई जा रही हैं। इन नेताओं को कोई भी जुर्माना नहीं किया जा रहा है, जबकि आम जनता को जुर्माना लगाकर परेशान किया जा रहा है। निगम भंडारी ने कहा कि सरकार आम जनता को परेशान करना बंद करे। यदि बंदिशें लगाई गई हैं तो उन बंदिशों का जो भी उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह हाल ही में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं पर जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा का प्रयोग उन्हें शोभा नहीं देता है। वो जल्द ही अभद्र भाषा को लेकर माफी मांगे। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनावों को लेकर युवा कांग्रेस प्रदेश भर में रणनीति तैयार कर रही है और पोस्टरों के माध्यम से प्रदेश भर में घर घर जाकर जनता को कांग्रेस के कार्यकाल के विकास के बारे में भी तथा भाजपा के कार्यकाल के बारे में भी जागरूक करेगी कि भाजपा के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है। कोविड को लेकर सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी का ये दूसरा स्ट्रेन स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा होगा, लगातार टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है। एक साल पहले सरकार को कांग्रेस के द्वारा चेताया गया था कि भी कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इस पे आप क्या कड़े कदम उठा रहे हो। आज साल कंप्लीट होने को आया है। आज प्रेस के माध्यम से मैं सरकार को पूछना चाहूँगा कि जो कोरोना महामारी के समय आपके द्वारा स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड का निर्माण किया गया था, जिसके तहत पूरे प्रदेश की जनता ने और अलग अलग संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर सरकार को राजनीति से हटकर मदद की थी, और जिसमें मैं बताना चाहूँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 81 करोड़ से अधिक धन इस कोरोना महामारी के समय इकट्ठा हुआ था। आज एक साल होने को आया है, हम सरकार से पूछना चाहेंगे, साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज्यों का त्यों आज भी वैसे का वैसे ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, जहाँ इतना धन आपको जनता के द्वारा दिया गया उसके बावजूद भी इतनी कमी यहाँ पर क्यों आ रही है, और आपकी क्या तैयारी है। मुझे नहीं लगता कि इस महामारी से लड़ने के लिए आपकी कोई तैयारी हो चुकी है। आपने प्रदेश की जनता को कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दिया है कि आप खुद आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद अपने इस महामारी से लड़ाई लड़ो। और मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जितना भी धन इकट्ठा हुआ था वो पूरे के पूरे पंजाब की जनता के सामने सार्वजनिक किया था, उसी आधार पर मैं पूछना चाहूँगा कि उसी तर्ज पर आप भी 81 करोड़ से जो अधिक जो धन इकट्ठा हुआ है इस महामारी के समय में, उसको आप पब्लिक के सामने सार्वजनिक कीजिए, कहाँ पर आपने पैसा इस जो धन का उपयोग कहाँ कहाँ किया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आप कोरोना महामारी के समय जो बंदिशें लगा रहे हो, ये सिर्फ आप चुनाव के समय हटा देते हो और चुनाव के बाद लगा देते हो। 16 अप्रैल को चुनाव खत्म हुआ, 16 अप्रैल को चुनाव खत्म होते ही आपने बंदिशें लगाना शुरू कर दी। जब तक चुनाव था, जब तक आपका अपना फायदा था, तब तक आपने बंदिशें लगाई नहीं है, आप लगातार लगा रहे हो। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी पे जो टिप्पणी की गई है, कांग्रेस के लोगों पे जो टिप्पणी की गई है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेसी अपने खाल में रहें, और कहा कि मैं जो तुम्हारे जो आप जो आपके भ्रष्टाचार की जो फाइल है उसको खोलूँगा, हम पूछना चाहते हैं अगर आपने फाइल खोलनी ही है, आप फाइल खोलिए। जो कोरोना महामारी के समय जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ था पूरे देश भर में, अगर सबसे पहले बड़ा घोटाला हुआ हिमाचल प्रदेश में हुआ,
उस फाइल को आपने दबा दिया है, उसमें बताइए अगर फाइल खोलनी है तो इस भ्रष्टाचार में और इस घोटाले में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, उनके नाम सार्वजनिक कीजिए। क्योंकि अगर आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से जो अभद्र भाषा का जो आपने प्रयोग किया है, इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि हम ठेठ सिराजी हैं, हम अभी दो दिन पहले हमारा सिराज में हमारा कार्यक्रम था, हम वहाँ सिराज के लोगों से मिले और मुझे लगा कि सिराज के लोग काफ़ी शांत और शालीन स्वभाव के हैं, और उनके मुँह से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उच्च प्रदेश के सबसे उच्च पद पर बैठे हैं, और उनके मुँह से इस प्रकार की जो भाषा है वो शोभा नहीं देती और कहीं ना कहीं उसका आने वाली पीढ़ी पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। 2022 में आ रही युवा कांग्रेस किस तरह से सक्रिय होगी? आप देखिए, लगातार 2022 के चुनावों को लेकर जिस तरीके से आज से पहले भी युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में विधानसभा वाइज बैठकें की थी, अभी हमने मंडी जिला से अपनी बैठक शुरू की है और वहां पर हम विधानसभा वाइज बैठकें ले रहे हैं और कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर चर्चा हुई है और आगामी रणनीति किस तरीके से 2022 का चुनाव लड़ना है और जिस तरह अभी 4 नगर निगम चुनाव में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, युवा कांग्रेस के साथियों ने घर घर जाकर जो सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उसको घर घर जाकर जागरूक उसको उजागर करने का काम किया है, उसी तर्ज पे आने वाले समय में युवा कांग्रेस के द्वारा 2022 के चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में यात्रा निकाली जाएगी। एक पैम्पलेट के माध्यम से हम प्रचार करेंगे कांग्रेस के समय में क्या विकास हुआ था और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इन्होंने क्या किया है, क्या इनकी गलत नीतियाँ हैं, उसको एक यात्रा के माध्यम से हम हर विधानसभा में जाकर घर घर जाकर संवाद के माध्यम से घर घर जाकर प्रदेश की जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे।